नमस्कार, मैं हूं रवि श्रीवास्तव। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर 8 जनवरी से 11 जनवरी तक क्रमिक अनशन का आयोजन किया गया है। और यहां पर ज्वाइंट फोरम के अंतर्गत यहां पर जितने भी संगठन है रेलवे के, सभी यहां पर क्रमिक अनशन के लिए यहां पर बैठे दिखाई पड़े। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में ये क्रमिक अनशन पर जो रेल कर्मी बैठे हुए हैं, इनकी अपनी मांगे हैं और इन मांगों के सापेक्ष आज ये 4 दिन के लिए यहाँ पर इस क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। और सुबह से ही यहाँ पर इन रेल कर्मियों का आना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने पूर्व में भी सरकारों को अपनी मांगों के सापेक्ष बताया था और उन्हें एक चेतावनी दी थी कि यदि हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हम फला तारीख से लेकर के जो है क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, और आज उसी मांगों के ना पूरे होने की वजह से आज ये रेल कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि मंडल व शाखा स्तर पर ये अनशन आयोजित किया गया है, और यहाँ पर जो रेलवे के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरह की मांगे हैं और ये अनशन इनका किस तरह से चलेगा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्रवेदी, ब्रांच सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सुल्तानपुर। ये आप लोग क्रमिक अनशन पे बैठे हैं, ये क्रमिक अनशन क्यों आपको करना पड़ा, क्या वजह क्या है? बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज तमाम हमारे युवा साथी जो आ रहे हैं उनका भविष्य अंधकारमय है। जो इस समय 2004 के बाद भर्ती हुए कुछ लोग जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको जो 50,000 वेतन पाने वाले हैं, उनको 2,000 और 2,500 रुपये पेंशन मिल रही है। NPS में पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार हम लोगों के पैसे को किस जगह लगाती है हम लोगों को मालूम नहीं है। वो शेयर मार्केट में लगाती है, शेयर मार्केट का क्या हाल होगा आने वाले समय में हम लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारी जो गारंटेड स्कीम है कि हमारे रिटायरमेंट के समय जो हमारा आखिरी मूल वेतन है उसका 50% हमको पेंशन के रूप में दिया जाए, क्योंकि हम बाजार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बाजार रोज उतार चढ़ाव करता रहता है, और अगर उस हिसाब से हमारी पेंशन चली जाएगी तो लोग जी नहीं पाएंगे। हमारे बुढ़ापे का सहारा यही एक है। इसलिए केंद्र सरकार से हम लोगों की मांग है कि पुरानी पेंशन जो हमको मिलती थी उसको बहाल किया जाए। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली ही है या आपकी प्रमुख मांगों में और भी कई मांगे शामिल हैं, मैं जानना चाहूंगा। इस समय मात्र एक सूत्री मुद्दा है, ये पुरानी पेंशन की बहाली। आज हिंदुस्तान के प्रत्येक ब्रांचों में सब लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, इसकी मात्र एक मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। और उसके इसमें रेलवे के साथ साथ केंद्र के अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक बंधु सारे लोग शामिल हैं। और केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, दूसरी कोई मांग नहीं है। और उसमें अभी हम लोगों को कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाया हुआ था, हमारे महामंत्री जी को, उन्होंने लिख करके देने का काम किया कि इसमें बातचीत की और कोई गुंजाइश नहीं है। मात्र जो रिटायरमेंट के समय हमारा आखिरी वेतन है उसका 50% जो कोई हमको पुरानी पेंशन में मिलता था वो हमको बहाल किया जाए, उसके अलावा और कोई चीज इसमें कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। ये देखिए, इनका कहना है कि ये पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर ये यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, और जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार विरोधी नारे भी आज इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन शैलेश श्रीवास्तव के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।